महाराष्ट्र के वर्धा के पुलगांव में हथियारों की डिपो में आग लग गई है। हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राज्यसभा के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज कई पार्टियों के कैंडिडेट और निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। राज्यसभा के लिए आज कांग्रेस कैंडिडेट पी चिदम्बरम मुंबई में राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को चुनाव होना है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगे। डॉक्टर चंद्रा आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायकों ने डॉक्टर चंद्रा को समर्थन का भरोसा दिया है। हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटों में 2 सीटें रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हो रही हैं। दोनों का कार्यकाल 1 अगस्त को पूरा हो रहा है। सोमवार को राज्यसभा के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। आंध्र प्रदेश से बीजेपी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश से एमजे अकबर, महाराष्ट्र से विनय सहस्रबुद्धे और विकास महात्मे, यूपी से शिव प्रताप शुक्ला और झारखंड से महेश पोदार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से विधान परिषद की 6 सीटों के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 11 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए सोमवार को कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने राज्यसभा के लिए नाम दाखिल किए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जयपुर में राजस्थान से राज्यसभा के लिए भी पर्चा भरा। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यूपी से पर्चा भरा। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री और कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पंजाब से पर्चा दाखिल किया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने आरजेडी के टिकट पर बिहार से पर्चा भरा। बीजेपी नेता ओम माथुर ने राजस्थान से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 19 जून को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज पर्चा दाखिल करेंगी। महबूबा मुफ्ती अनंतगान विधानसभा से पर्चा दाखिल करेंगी। महबूबा इस समय दक्षिणी कश्मीर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अनंतनाग विधानसभा सीट पीडीपी की पारंपरिक सीट रही है। इस सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद विधायक थे। इसी सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए महबूबा आज पर्चा दाखिल करेंगी। एसपी और आरएलडी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर एसपी में फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव जहां एसपी आरएलडी के गठबंधन के पक्ष में हैं, वहीं शिवपाल के चचेरे भाई और एसपी महासचिव रामगोपाल यादव इस संभावित गठबंधन के विरोध में हैं। एसपी महासचिव का कहना है कि इस गठबंधन से पार्टी को नुकसान होगा। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अजीत सिंह पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव का दावा है कि एसपी और आरएलडी के गठबंधन के पक्ष में है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी महागठबंधन को लेकर परिवार में मतभेद हो चुके हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस ने नारायण राणे विधान को पार्टी विधान परिषद भेजने की तैयारी करी है। नारायण राणे भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। शिवसेना ने सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में सोमवार को छपे एडिटोरियल में कहा गया है कि इशरत जहां मामले में पार्टी की किरकिरी करा चुके चिदंबरम को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। शिवसेना ने सुशील कुमार शिंदे को नजरअंदाज करने पर भी निशाना साधा है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए बातचीत को ही इकलौता रास्ता बताया है। बसित ने जंग की बात को बेवकूफी करार दिया है। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26/11 हमले में लखवी समेत लश्कर के 7 आरोपियों और पाकिस्तान सरकार को नोटिस जारी किया है।
बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर लंदन में बेनामी संपत्ति होने का दावा किया है। किरीट ने केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को चिट्ठी लिखकर लंदन में वाड्रा की संपत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कोयला घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में अमरकोंडा मुर्गा दंगल मामले में आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने की मांग का समर्थन किया है। सिंघल का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो आरोपियों को दोषी साबित करने में मददगार हो सकते हैं। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम तेज करने पर बल दिया है। रेलवे के कामकाज की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमार्ग के विकास में ज्यादा निजी निवेश होना चाहिए। बाद में पीएम ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे का बुनियादी ढांचा अपडेट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बल मिलेगा और रेलवे की आमदनी बढ़ेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ईडी ने वीरभद्र सिंह की 1,34,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। देश के कई और राज्यों में भी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लग सकती है। राज्यों की ओर से प्रदूषण के आंकड़े पेश न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाराजगी जताई है। एनजीटी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस कर चेतावनी दी है कि अगर प्रदूषित शहरों के आंकड़े पेश नहीं किए गए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। लता मंगेशकर और सचिन के कथित कॉमिक वीडियो का मुद्दा गर्मा गया है। बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने एक सुर से इसकी निंदा की है और वीडियो को अपमानजनक बताया है। एमएनएस की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने शो के होस्ट तन्मय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी और शिवसेना ने एआईबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ अपने शो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईबी के तन्मय भट्ट के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एमएनएस ने एफआईआर दर्ज कराई है। एआईबी के विवादित वीडियो को लेकर एमएनएस की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस एआईबी के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट कर रही है। इसके अलावा इस वीडियो को ब्लॉक करने की भी कोशिश की जा रही है। अफ्रीकी नागरिकों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे हमलों में अगर कोई नस्लीय बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मसले पर कहा कि अफ्रीकी नागरिकों को भारत में पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के नागरिकों और छात्रों पर हो रहे हमलों के खिलाफ कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान अफ्रीकी नागरिकों को पूरी सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया है कि मामले में नस्लीय भेदभाव का एंगल सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा ने कल अफ्रीकी समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। बैठक में आलोक वर्मा ने अफ्रीकी समुदाय को उनके नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया, साथ ही उनकी शिकायतों के जल्द निपटारे का वादा किया। एक कैब ड्राइवर ने कुछ अफ्रीकी मूल के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। नूरुद्दीन नाम के ड्राइवर के मुताबिक उसे राजपुर से द्वारका के लिए बुकिंग मिली थी, लेकिन पिकअप पॉइंट पर 6 लोगों ने कैब में बैठने की जिद की। मना करने पर उन्होंने कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर एक अफ्रीकी मूल की महिला को हिरासत में लिया है। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में 20 मई की रात कोगो के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी मोबिन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 मई की रात 11:30 बजे ओलिवा की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की चिंगारी फिर से सुलगने लगी है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के स्टे से नाराज जाटों ने 5 जून से आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जाट आरक्षण समिति के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अदालत में लंबित है और फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए।
सीएम मनोहर लाल के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है और राज्य की कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। जाटों के आंदोलन छोड़ने की चेतावनी को देखते हुए खट्टर सरकार भी हरकत में आ गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जा रही है। मुंबई के लोअर पाले स्टेशन के पहले पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, इस वजह से वेस्टर्न लोकल देरी से चल रही है। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ है और हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल की तरफ जा रही थी, रेलवे के अधिकारी पिछले कई घंटों से इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में आज अखिलेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। इस बैठक में यूपी के सीएम अखिलेश यादव शामिल होंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में कई अहम फैसलों पर अखिलेश सरकार मुहर लगा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगी। अपने संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। वे सुबह 9:30 बजे डलमऊ पहुंचेंगी और नगर पंचायत की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगी। अपने दिन भर के कार्यक्रम के दौरान वे कई सड़क प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। शाम 6 बजे सोनिया गांधी की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। 1 जून को सोनिया गांधी लोगों की समस्याएं सुनेंगी। 11 बजे वे विकास भवन में जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगी। साथ ही सोनिया गांधी जिला सतर्कता और निगरानी समिति के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। सोनिया अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का भी जायजा ले सकती हैं। वाराणसी में अमित शाह आज दलित परिवारों के साथ भोजन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सुबह 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सेवापुरी ब्लॉक के जोगियापुर गांव के लिए रवाना होंगे। यहां वे गिरिजा प्रसाद बिंद के यहां भोजन करेंगे। यहां आयोजित भोज में गांव के कई दलित परिवार शामिल होंगे। यहां से वे इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी में मिशन 2017 के तहत बीजेपी किसानों का दिल जीतने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में आज इलाहाबाद में बीजेपी की किसान महासम्मेलन रैली हो रही है। अंदावा इलाके में होने वाली इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हिस्सा लेंगे। अमित शाह बनारस से सड़क मार्ग के जरिए दोपहर 2 बजे इलाहाबाद रैली स्थल पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक रैली में 2 लाख से अधिक लोग अमित शाह की जनसभा में आ सकते हैं। इस रैली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह सहित कई दूसरे आला नेता भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जताई है। केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज की ब्रांडिंग जारी है। आज कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी अपने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाएंगे। मोदी सरकार के दोनों मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह सूखे को लेकर अब तक उठाए गए कदमों पर जानकारी दे सकते हैं। वहीं किसानों को लेकर भी कृषि मंत्री की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है। वहीं कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। वाराणसी में महिलाओं और लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के संगठन अधिकारी के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी से जुड़े लोगों ने सेल्फ डिफेंस शिविर लगाया। यूपी के बरेली में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों पर पेट्रोल पंप मालिक को धमकी और 60 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। धमकी मिलने के बाद संजीव मित्तल अपने परिवार के साथ अज्ञात स्थान पर रहने को मजबूर हो गए थे। बीती रात वजीराबाद फ्लाईओवर पर एक ट्रक फ्लाईओवर रेलिंग से जा टकराया। पीछे से आ रहे एक ऑटो की टक्कर ट्रक से हो गई, जिससे ऑटो में बैठे 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है कि और ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इस बात की भी जानकारी सामने आई है। ट्रक ओखला की तरफ जा रहा था। बीजेपी ने कल सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। प्रदर्शन इसी के विरोध में था। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, श्याम जाजू, अश्विनी उपाध्याय समेत कई नेता शामिल रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में आतंकियों का संरक्षण देती है।
कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को कल पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की हवा निकालते हुए देखा गया। प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर गंदगी फैलाई। दिल्ली के औरी कार लूट के मामले में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। साउथ एक्सटेंशन में शनिवार देर रात बदमाशों ने एक औरी कार को रास्ता पूछने के लिए रुकवाया और बंदूक की नोक पर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही। बदमाशों ने पीरागढ़ी में कार चालक को अधमरी हालत में बाहर फेंक कर फरार हो गए। कार में कुछ कैश और मोबाइल भी था। सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूटा सदस्यों की शिकायत है कि यूजीसी की नई गजट अधिसूचना की वजह से अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही करीब 5,000 शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। टीचर्स की मांग है कि इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। दिल्ली सरकार ने कल 10 दैनिक अफसरों का तबादला कर दिया। ट्रांसफर किए गए अफसरों में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एडीएम नवलेंद्र कुमार, नॉर्थ ईस्ट के एडीएम सुरेंद्र कुमार और पश्चिम के एडीएम एमटी कॉम शामिल हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने उनकी जमानत के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट में अर्जी दी है। 13 मई को एनआईए ने अपनी चार्जशीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम हटा दिया था। इसी को आधार बनाकर जमानत अर्जी दी गई थी। एनआईए 6 जून को इस पर अपना जवाब कोर्ट में देगी। नौसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख अब वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा होंगे। मुंबई के आईएनएस शिखरा में मौजूदा फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल सुनील लांबा ने विशेष समारोह में अपना कार्यभार वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा को सौंपा। वाइस एडमिरल सुनील लांबा जल्द ही नौसेना अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। आने वाले वक्त में मुंबई के 45 उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का रेलवे डेवलप करेगी। इसके अलावा लोकल के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 12 करने की भी तैयारी हो रही है। रेलवे के मुताबिक हार्बर लाइन पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए सेंट्रल रेलवे ने लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में पैनिक बटन लगाने की शुरुआत कर दी है। अभी तक ये बटन ट्रायल के तौर पर एक ट्रेन में लगाया गया है। मुंबई के पास एलिफेंटा गुफा पर खतरे मंडराने लगे हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से ये संकट पैदा हुआ है। यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की समीक्षा करते हुए उन धरोहरों की लिस्ट जारी की है जिन्हें बदलते पर्यावरण से नुकसान होने की संभावना है। इसी लिस्ट में एलिफेंटा गुफा का भी नाम है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में मकोका आरोपी विनोद नायर और अरमान खान के बीच जेल में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 6 से 7 कैदी भी घायल हो गए। घायल कैदियों को जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जेल के अंदर धारदार हथियार कैसे पहुंचे। तमिलनाडु के थेनी जिले में एक स्कूली बच्चा करंट की चपेट में आ गई जिससे 2 छात्रों की मौत हो गई और 40 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस की खिड़की के पास बैठे एक छात्र ने पेड़ की पत्तियों को छुआ। उसी पेड़ में लटके एक तार से पूरी बस में करंट आ गया। बस में 50 छात्र सफर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के चिल्ला जंगल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। ये ऑपरेशन 36 घंटे चला। पिछले 3 महीने से क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद यहां निगरानी बढ़ाई गई थी। कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को बम के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर बम बनाने का सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े किसी आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। इम्फाल में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे 2 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये छात्र अपने साथियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन की वजह से शहर में जाम भी लग गया। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
सत्र की शुरुआत में जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने हंदवाड़ा मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। कोयम्बटूर के एक युवा ज्वेलर ने मुख्यमंत्री जयललिता के लिए अम्मा मंगलसूत्र डिजाइन किया है। सीएम को लिखे पत्र में इस ज्वेलर ने अम्मा के चुनावी वादे का जिक्र किया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार गरीब लड़कियों को शादी में 8 ग्राम सोने का मंगलसूत्र गिफ्ट करेगी। राजौरी में बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी कैंपस के नजदीक जंगल में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। इस आग से काफी नुकसान होने की खबर है। इस महीने में जंगल में आग लगने की ये दूसरी घटना है। पिछले हफ्ते कटरा के जंगलों में आग लग गई थी। बिहार में हजारीबाग में अंधविश्वास का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल सांप के काटने से 12 साल के एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ ही देर में उसका परिवार वहां एक ओझा को लेकर आ गया, जिसने बच्चे को बाहर ले जाकर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। बाद में अस्पताल प्रबंधन के दखल से बच्चे को दोबारा इलाज के लिए ले जाया गया। 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट इसी हफ्ते खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा सकता है। धान पर 60 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर उड़द पर एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकती है। पिछले साल धान की एमएसपी 50 रुपए और खरीफ दालों की एमएसपी 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई थी। पिछले 2 साल से लगातार सूखे से किसानों की उनको नुकसान पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सहारा और पीएससीएल जैसी पोंजी स्कीम्स पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कठोर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में संसद के मॉनसून सत्र में कानून लाया जा सकता है। ऐसी स्कीम्स के जरिए कई कंपनियां देश के करोड़ों स्मॉल इन्वेस्टर्स का बजट साफ कर चुकी हैं। उद्योग संगठन फिक्की ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक 2016-17 में कृषि और इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस रह सकता है। कॉल ड्रॉप के मामले में टेलीकॉम कंपनियां एक खास टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। टेलीकॉम नेटवर्क की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ। एप्पल को भारत में सिंगल ब्रांड स्टोर खोलने के लिए लोकल सोर्सिंग नियमों में छूट देने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री एक बार फिर कोशिश करेगा। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने लोकल सोर्सिंग नियमों में छूट देने से मना कर दिया था। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस नियम में छूट मिलनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नेडला भारत दौरे पर हैं। नेडला दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में शामिल हुए। माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट टेक फॉर गुड आइडियाज फॉर इंडिया में छात्रों और कारोबारियों को संबोधित किया। नेडला ने दुनिया बदलने के लिए नजरिया बदलने की नसीहत दी। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में सीरिया के अलेप्पो शहर में बमबारी के बाद के हालात को दिखाया गया है। ये अलेप्पो शहर का वो इलाका है जो आईएसआईएस के कब्जे में है। सीरियाई वायुसेना की इस बमबारी में आम नागरिकों की दुर्दशा को दिखाया गया है। पाकिस्तान में कल हुए बम धमाके में एक चीनी नागरिक और उसका ड्राइवर घायल हो गया। कराची के पास हुए इस धमाके की जिम्मेदारी एक सिंधी अलगाववादी समूह ने ली है। ये समूह चीन द्वारा बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। जर्मनी के कोलोन बोन हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का कल सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब पुलिस ने सिक्योरिटी एरिया में एक संदिग्ध को देखा। बिना सुरक्षा जांच के सिक्योरिटी एरिया में दाखिल हुए शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मनी के एक मानवीय संगठन द्वारा सोशल मीडिया पर जारी ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। राहत कर्मी के हाथ में भूमध्य सागर में डूबकर मरे एक बच्चे को दिखाया गया है। पिछले हफ्ते इटली और लीबिया के बीच समुद्र पर करते हुए सैकड़ों प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं।